और हनुमान जी की जन्म उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। एम शिक्षा मित्र ऐप समाप्त करने के लिए सहमति दोस्तों मिल गई है। आइए दोस्तों जान लेते पूरी खबर क्या है। इससे पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। शिक्षा विभाग ने आगामी 2 अप्रैल से लागू होने वाली एम शिक्षा मित्र ऐप से उपस्थिति की योजना का शिक्षकों के विरोध के चलते मुख्यमंत्री ने इस व्यवस्था को समाप्त करने पर सैद्धांतिक सहमति दे दी है। इसके लिए संघ ने मुख्यमंत्री की सहमति पर प्रदेश नेतृत्व का आभार माना है। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के जिला सचिव राम कृष्ण शर्मा ने बताया कि संघ के प्रांतीय अध्यक्ष विष्णु शर्मा, अनोखी लाल शर्मा ने कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष व राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त रमेश चंद्र शर्मा से मुलाकात कर शिक्षकों की परेशानी को समझा तथा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दूरभाषा से चर्चा की, जिस पर मुख्यमंत्री ने शिक्षकों की परेशानी को देखते हुए एम शिक्षा मित्र ऐप के माध्यम से शिक्षकों की हाजिरी लगाने की व्यवस्था को समाप्त करने की सैद्धांतिक सहमति दे दी। उन्होंने बताया कि आगामी 3 अप्रैल को एक प्रतिनिधिमंडल राजेंद्र शर्मा, सुरेश चंद्र दुबे, रामनारायण लहरी मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे। दोस्तों हमारे शिक्षक भाई काफ़ी समय से एम शिक्षा मित्र ऐप का विरोध कर रहे थे, इसी के चलते अभी सहमति तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दे दी अभी, पर आदेश नहीं आया है। तो दोस्तों इंतजार करना पड़ेगा और अपना जो विरोध चल रहा है उसको कंटिन्यू रखना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद ही सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आएगा। इससे जुड़ी मैं और भी खबर आप तक लाता रहूँगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।